गुड इवनिंग। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो अगर तो मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है वो सेट का एक पोर्शन का हमने कंप्लीट कर दिया। तो हम ये सोचे कि क्यों ना जो हम वेन डायग्राम शुरू करेंगे उससे पहले, वेन डायग्राम शुरू करने से पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक बार डिस्कस कर दें और उसको आप लोग बनाइएगा। एक बार उसको हम समझा देंगे तो बनाने में आसानी होगी, पर आज आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है? तो आज का काम आप लोग का क्या है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझा देंगे, लेकिन आपका काम है बनाना। तो आज के क्लास में एनसीईआरटी को समझाएंगे, अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास भी में भी एनसीईआरटी का करेंगे, उसके बाद केसी सिन्हा का करेंगे, उसके बाद जाके हम वेन डायग्राम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन हो जाए, और तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ हम समझा देंगे कि बनाना कैसे है। बनाना तो भैया आप ही को पड़ेगा, ठीक है? तो कोई तरह का परेशानी हो, सब्सक्राइब आप लोग को करवाना है अपने फ्रेंड सर्कल में। ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को बताइए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, ठीक है? तो हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास आप लोग का है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन में आपको बताना है कि, और बड़ा कर दें क्या, हो सकता है बच्चे को देखने में परेशानी होता हो, तो अगर बोलिएगा तो और हम बड़ा कर देंगे। ये आपका अगर देखने में दिक्कत है तो बोलिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक बार हम समझा देंगे आप लोग को, निश्चिंत रहिए उसके लिए, दोनों में हम एक एक बार समझा देंगे। ये आपका 1.1 है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है। सेट उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट को सेट बोलते हैं, जिसका आंसर हर कोई एक दे। तो आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, बोलिएगा तो हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है? तो आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन के बारे में कि 12 महीना होता है, साल में 12 महीना होता है। तो आप ये बताइए जनवरी, हाँ सर जनवरी जे से शुरू होता है, तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बराबर देते हैं। ये आपका ब्रेसिस है, ब्रेसिस शुरू हो गया। अब इसमें जैन आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून आ जाएगा, और एक आपका जुलाई आ जाएगा, और कोई है तो बताइए। यानी इसका सेट बनेगा सर, आप किसी से भी पूछिएगा तो आंसर तो यही बताएगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, हाँ सर ये सेट बनेगा, आंसर में ये लिख देंगे, हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये बताइए पूरे इंडिया में 10 सबसे अच्छा लिखने वाला, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, संभव नहीं है। तो इसका सेट नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बताइए विश्व में 11 सबसे अच्छा खिलाड़ी। तो मान लिया जाए गौरव कुमार बोलेगा सर विराट कोहली, हम बोलेंगे नहीं MS धोनी, कोई कुछ बोलेगा, इसका भी सेट नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास,
तो सर अभी तो क्लास है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे, लेकिन टेंथ में आपके बैच में 40 स्टूडेंट अगर होंगे तो आप गिनती करके बता सकते हैं कि सर 30 बॉय था और 10 गर्ल्स थी। यानी इसका सेट बन सकता है, इसका सेट बन सकता है। अब गौरव के क्लास में ये होगा, मान ली और किसी क्लास में कुछ और होगा, मतलब ये सही है सर, आप गिनती करके बता सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम जो है वो नेचुरल नंबर कौन कौन है ये भी आप बता सकते हैं। वन से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। देखिए हम समझा रहे हैं आपको, प्रॉपर ढंग से कॉपी में बनाना है, आपको प्रॉपर ढंग से कॉपी में बनाना है। जैसे अगर आप पांचवें नंबर को सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले मानिएगा कैपिटल सी। हाँ सर, सेट को बड़े अक्षर से लिखते हैं, ब्रेसेस दीजिएगा। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 99 तक। आप ऐसे लिखिएगा आंसर, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, हाँ सर ये भी बता सकते हैं, इवन इंटीजर भी बता ही सकते हैं कौन कौन। -4, -2, 0, -2 बताया जा सकता है, इसमें भी कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाँ इसका भी सेट बनेगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन है ये किसी को नहीं पता सर। कोई बोलेगा सांप है, तो कोई बोलेगा शेर है, तो इसका भी सेट नहीं बनेगा। जिसका आंसर हर कोई एक ही दे उसी का सेट बनेगा। अब इधर आ जाइए, आप बात कर लीजिए किसका, तो सर अरे भैया बहुत तेज से। यही प्रॉब्लम है, हाँ इधर आ जाइए, इसमें देखा जाए। अब एक ही देखिए, ये सेट आपका दिया हुआ है, ये आपका सेट दिया हुआ है। सेट में आपका 6 एलिमेंट है, तो इसका मतलब आप लोग को पता होगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का कहानी क्या है? इधर रहेगा सेट और इधर रहेगा एलिमेंट, इधर रहेगा एलिमेंट, और ये एलिमेंट जो है इस सेट में होना चाहिए। ये जो एलिमेंट है अगर इस सेट में है तो बिलोंग्स टू होगा, अगर ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो यहाँ पे देखिए, 5 बिलोंग्स टू, 8 नॉट बिलोंग्स टू, 0 नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, 10 नॉट बिलोंग्स टू। अब ये बताइए ये 10 जो है इसमें कहाँ है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाइए। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो अब ध्यान से देखिएगा, एक्स जो है ये वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। अच्छा ये बताइए, ये वाला जो इनइक्वलिटी है वो कितने को समझ में आता है? ये वाला इनइक्वलिटी, एक्स बदलने वाला है, ये वेरिएबल है, जिसको हिंदी में हम लोग चर बोलते हैं, चर बदलने वाला। यानी एक लिए -3 और दूसरा लिए 7। -3 पे जो गोला बनेगा उसको रंगना है,
सात पे जो गोला बनेगा उसको रंगना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 को लेना है और सात को नहीं लेना है। एक्स जो है वो इंटीजर है, तो ये बताइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, ये सब इंटीजर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को नहीं लेना है। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका सेट बिल्डर में है, ये सेट बिल्डर में है, उसको बोला है ये रोस्टर में लिखने के लिए। तो सेट बिल्डर को किस में बोला है, रोस्टर में लिखने के लिए, आपने लिख दिया। अब इसमें आ जाइए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो 6 से कम जो नेचुरल नंबर है सर वो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब ये बोला है एक्स टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। पहले ये जानिए कि 2 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है, तो सर शुरू होता है 10 से और अंत होता है 99 पे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है और 99 पे ख़त्म होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर 10 से शुरू हुआ तो ये दोनों को जोड़िए तो 1 होता है, 11, अरे सर 17, 7 1 8, 26, 6 2 8, 35, 5 3 8, 44, 53, 62, 71, 80। यही 2 डिजिट का नंबर है जिसको जोड़ने के बाद आपको 8 मिलेगा और कोई है ही नहीं। तो ये हो गया बिल्डर फॉर्म में और ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा ठीक है, और कोई है नहीं। एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ये बताइए 2, 3, 5 और कोई है क्या, 2, 3, 5 के अलावा और कोई नहीं है। प्राइम नंबर भी है 2, 3, 5 और 60 को डिवाइड भी कर रहा है और कोई नहीं है। अब बोला है ट्रिगोमेट्री, तो ट्रिगोमेट्री अगर ये बोला तो सेट वाला एक बात बोला था कि देखो भैया टी को लिखो, टी के बाद आर को लिखो, आर के बाद आई को लिखो, आई के बाद जी को लिखो, उसके बाद ओ को लिखो, उसके बाद एन को लिखो और दोबारा ओ को नहीं लिखना है। मतलब ओ अगर 2 बार आया है तो आपको 1 बार अगर लिख दिए तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपको सिखाया ठीक है। और बेटर में भी वही हाल है सर, इसमें आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये और चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन को 4 नंबर को पढ़ा जाए, 4 नंबर क्या बोलता है। तो 4 नंबर बोलता है कि 3, 6, 9, 12, ये ब्रेसेस होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये आपका ब्रेसेस है। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसको लिखना है बिल्डर फॉर्म में, बात को समझिएगा। तो हम बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक तरीका आप लोग को बताए थे, अगर वो तरीका आपको याद हो तो, अगर वो तरीका आपको याद हो तो हम थोड़ा सा उस पर बात कर लें। 3, 6, 9, 12 है, चलिए थोड़ा यहाँ बात कर लिया जाए। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, यही दिया हुआ है, ये आपका रोस्टर में है। अगर आपको बिल्डर में बनाना है तो ब्रेसेस लीजिए, एक्स सच डैट
एक्स एक वेरिएबल है और ये सच डेट है। अब एक फॉर्मूला आप बनाइए, तो मेरे हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाइएगा तो फॉर्मूला हमेशा हम बोले थे छोटा एन में बनाने के लिए, मतलब ये सर 3n होगा, अगर आप सहमत हैं तो। एक फॉर्मूला हमने बनाया 3n, 3n का मतलब हुआ n के जगह पे आप 1 रखिए तो ये मिलेगा, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, यानी फॉर्मूला हो गया x बराबर 3n कोमा n बराबर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गया। मतलब जनरली अगर आपको ये फॉर्मूला बनाने आता है तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर आपको फॉर्मूला बनाने आता है तो। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाने आता ही है, इसमें किसी तरह का आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। और इसको और भी तरीका से लिखा जा सकता है, जैसे जैसे ए, बहुत लोग लिखते हैं x such that x equal to 3n और n belongs to integer, n belongs to integer 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी तरीका है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला बनाने आता है तो आपको परेशानी नहीं होगा। जैसे ये आपका था चौथा का पहला नंबर, अब हम बताते हैं चौथा का दूसरा नंबर, सेट दिया हुआ है बी मान लेते हैं, आपको फॉर्मूला बनाना है 2, 4, 8, 16, 32, आपको फॉर्मूला बनाना है छोटा एन में। तो सर ये 2 है, 4 है, 8 है, अगर इसको फॉर्मूला बनाया जाए तो 2n बना सकते हैं क्या? अब n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, मेन है ये फॉर्मूला बनाना। तो b बराबर ये तो सर रटा रटाया है x such that, x वेरिएबल है और x बराबर 2n, बात खत्म। चेक कर लेते हैं, हमको लगता है ये 2n फॉर्मूला आपने जो बनाया था ये गड़बड़ हो गया, ये सेट नहीं किया। कैसे सेट नहीं किया? एक रखने से ये तो मिला, 2 रखने से ये मिला, 3 रखने से नहीं मिला, तो ये फॉर्मूला नहीं बना सर, ये गड़बड़ हो गया, फिर से बनाया जाए फॉर्मूला किसी तरह से। अब फॉर्मूला बनाते, अच्छा सर 2 पे पावर n रखिए, तो 2 पे पावर n रखिए, ओ तो n के जगह पे 1 रखने से ये मिलेगा, 2 रख, हाँ अब सही बना 2 पे पावर n, उसके बाद कोमा, आप चाहिए तो n बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, या चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं सर थोड़ा और स्टैंडर्ड आप बताइए, तो x सच डैट x इक्वल टू 2 पे पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक, हो गया। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको पकीजिए। तो एक बात तो सर हम सीखे, एक बात सीखे कि अगर आपको बिल्डर में लिखना है, बिल्डर में लिखना है तो आपको फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमको लगता है ये भी आप बना लीजिएगा, 5, 25, 125 और 625, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा 5 पे पावर n बनेगा। चौथा क्वेश्चन है 2, 4, 6, ... ये डॉट डॉट का मतलब होता है सो ऑन, पता नहीं अंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो हमको लगता है 2, 4, इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2n बनेगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर, हो गया। क्या लिखेंगे? डी x सच डैट x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू बड़का n, बात खत्म, कोई अंत ही नहीं है। पांचवें नंबर में आ जाइए, 1 है, 4 है, 9 है, up to 100 है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमको लगता है
एन पे पावर स्क्वायर बनेगा। वन रखिएगा तो ये मिलेगा, टू रखिएगा ये मिलेगा, थ्री रखिएगा ये मिलेगा, दस रखिएगा ये मिलेगा, एन स्क्वायर बनेगा। तो हमको लगता है इसमें आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या सीख गए, आप सीख गए कि कैसे हम लोग रोस्टर से बिल्डर कन्वर्ट करते हैं, ये आप सीख गए। रोस्टर से बिल्डर बनाना आप लोग सीख गए। अब आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। 5 नंबर को देखा जाए, देखिए तो 5 नंबर को अगर आप देखिएगा तो 5 नंबर में आपको ये है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या है कि आपको ये जो दिया हुआ है ये आपका कौन सा फॉर्म में है, तो बिल्डर फॉर्म में है सर। अब बोला है कि इसको आप लिस्ट ऑड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग से, तो ए बराबर आप लिखिए ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 3 गो डॉट, इसका मतलब होता है चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन है ये जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है ये कितने को समझ में आता है, एक्स जो है वो बदलने वाला है। अगर ये इनइक्वलिटी आपको समझ में आता है तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो क्या है सर इनइक्वलिटी, थोड़ा दिखाते हैं। 1/2 एक लाइन खींचिए, आप लिखिए -1/2 और यहाँ पे लिखिए 9/2 का मतलब होता है 4.5। गोला बनाइए और यहाँ भी गोला बनाइए, ये दोनों को नहीं लेना है, गोला को हमने रंगा नहीं, लेना नहीं है। -1/2 के बाद शायद 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। तो x जो है वो इंटीजर है, तो कौन कौन इंटीजर हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, बात खत्म। अब ये इनइक्वलिटी ही किसी को समझ में नहीं आएगा तो भैया ये मुश्किल है, तो ये मुश्किल है। उसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपको अभी हम हिंट दे रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आपको काम ये है कि इस हिंट को समझ के आपको क्वेश्चन बनाना है प्रॉपर ढंग से और फिर हम मेरे व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। तो सर ये एक इनइक्वलिटी सॉल्व करने आप हमको बताए थे कि अगर एक्स स्क्वायर ऐसा रहे तो वेरिएबल छोटा कुर्सी पे है, तो आप एक काम कीजिएगा साइड में कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो शायद एक्स बराबर -2 आएगा और +2 आएगा, अगर आप लोग सहमत हैं तो, अगर सहमत हैं तो फिर एक नंबर लाइन खींचिए। और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -2 है। अब वेरिएबल छोटा कुर्सी पे है तो घोड़ा घास जो है वो अंदर खाएगा, और क्योंकि ये लाइन है तो -2 और 2 को भी लेना है, इंड पॉइंट को भी लेना है, बाउंड्री पॉइंट को भी लेना है, भैया अंत में जो है उसको लेना है। तो -2 को आप ले लिए, -2 के उसके बाद -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, ये सब आपका इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहे कि छोटा सा इनइक्वलिटी आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है, ये वो जानना चाहे, ये आप बना ही लीजिएगा। मंथ नॉट हैविंग 31 डे, ये भी बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिए, ये सब बना लीजिएगा आप, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। छठा आ जाइए, छठा और ये शायद लास्ट भी है, लाइट कटा हुआ था, इधर आ जाइए, थोड़ा मैचिंग मैचिंग खेल लेते हैं, मैचिंग मैचिंग आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा तो मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। ये देखा जा रही भाई,
सिक्स नंबर है, अगले क्लास से इसको हम पीपीटी ही बना देंगे। ये छठा नंबर देखिए। अब ये छठा नंबर क्या है, इधर आ जाइए, यहाँ देखा जाए, इसको मैच करना है। अब ये देखिए, ऐसे देख लेते हैं, इधर देखिए, एक्स इज ए लेटर मैथमेटिक्स, तो सर इसका तीसरा नंबर होगा, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स। अब बोला ये है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स, तो ये हो जाएगा टू और थ्री। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। और एक्स इज ए प्राइम नंबर, सॉरी डिविजिबल ऑफ सिक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा आपका सी। मैचिंग खेल लिए हम लोग। तो इस तरह से आपका 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपको काम क्या करना है, आप बोलिएगा नहीं सर हिंदी में चाहिए हमको, तो हिंदी में भी है। अगर आप कहिएगा नहीं सर हिंदी में हमको एक बार आप समझा दीजिए, तो देखिए हिंदी में भी है, कहाँ है हिंदी में, क्या हिंदी में भी किसी को समझना है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, 1.2 पे, एक्सरसाइज 1.2 को देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 को देखा जाए, अब यहां पे देखिए, ये बताइए नल सेट का मतलब क्या होता है। नल सेट का मतलब ही होता है इम्पटी सेट, अगर आपको पता हो तो, ऐसा सेट इम्पटी सेट। और इसका जो नोटेशन होता है वो होता है, देखो भैया ये बना दिए ब्रेसेस बना दिए, अरे घर बना दिए, और घर में कोई रहने वाला है ही नहीं, वही हाल हो गया इम्पटी सेट का, घर बन गया कोई रहने वाला है ही नहीं, कोई बात नहीं। और इसी को डिनोट किया जाता है फाई से, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो अब ये बताइए ऑड नेचुरल नंबर, बताइए ऑड नंबर कभी दो से डिवाइड होता है क्या? ऑड नंबर उसी को बोलते हैं जो दो से डिवाइड नहीं होता है। तो भैया अब ये बोला कि ऐसा ऑड नंबर बताइए जो दो से डिवाइड हो, तब खोजना पड़ेगा, इसका मतलब ये फाई है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये आप बताइए क्या होता है इवन प्राइम नंबर, ये शायद सिक्स या एक, हमको ये बताइए इवन प्राइम नंबर। तो सर प्राइम नंबर शुरू होता है दो से, और यही दो जो है वो इवन है, मतलब इसमें जो है एक एलिमेंट है दो, इसका मतलब ये नल सेट नहीं हुआ, तो ये नल सेट आपका नहीं है। इधर आ जाइए, एक बोला x जो है वो बदलने वाला है, एक बोला पाँच से छोटा, ये x देखिए छोटा कुर्सी पे बैठा है, ये बोला कि भैया पाँच से छोटा, पाँच से छोटा इधर और सात से बड़ा, पाँच से छोटा और एंड का मतलब होता है और, सात से बड़ा कोई नंबर बताइए, तो ऐसा नंबर बताइए जो पाँच से छोटा हो और सात से बड़ा हो। तो भैया ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नंबर आज तक किसी को नहीं मिला है, तो ये भी नल सेट हो गया, ये भी क्या हो गया नल सेट हो गया। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, अब बताइए दो पैरेलल लाइन है इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा,
कॉमन कब होता है? जब वो ऐसे काटता है। तो पैरेलल पॉइंट में, पैरेलल लाइन में, समानांतर लाइन में, समानांतर रेखा में कोई भी लाइन कॉमन नहीं होता। तो ये भी आपका हो गया फाइव। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है, देखिए इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पहले ये समझिए, फाइनाइट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग भी पता हो और अंत भी पता हो, यानी अंत में कुछ नंबर हो। ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग, शुरुआत भी पता हो और अंत भी पता हो, या ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना जा सके, उसको हम लोग फाइनाइट बोलते हैं। और ऐसा सेट जिसमें दो तीन, ये तीन गो बिंदा दिखाई दे, तीन बिंदा दिखाई दे और उसके बाद कुछ ना लिखा रहे, ऐसा सेट जिसमें ये तीन बिंदा दिखाई दे और उसके बाद कुछ ना लिखा रहे, वैसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। आप ये बताइए, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? क्या आप गिनती नहीं कर सकते हैं? 12 होता है सर, इसका मतलब ये फाइनाइट हुआ। अब इसको देखिए, 1 2 3, ये तीन गो बिंदा और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, इधर आ जाइए, 1 2 3 बिंदा तो है लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है 100, मतलब फाइनाइट सेट। क्या है ये? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो सर 100 से बड़ा 101 होता है, उसके बाद 102 होता है, 103 होता है और डॉट 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 सो ऑन, मतलब ये जो है इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटा प्राइम नंबर, तो 2 3 5 और लास्ट में हो जाएगा 97, 91, 92, 93। सबसे लास्ट कौन सा होगा जी प्राइम नंबर? नाइन्टी थ्री, 92, 91, बताया जाए सबसे लास्ट में, लास्ट में होगा, जो भी होगा लिख लीजिएगा। तो ये आपको आ गया, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये भी आपको बताना है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब ये बताइए, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कितना लाइन हो सकता है? मत पूछिए सर कितना लाइन होगा, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतना लाइन होगा। इसका मतलब, 97 होगा। वाह, थैंक यू, 97। तो हमको लगता है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट 26, ये फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपुल ऑफ 5, 5 के मल्टीपुल में 5 10 15 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, फिर दिया हुआ है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ये बताइए, ये ऑरिजिन से कितना सर्कल पास करेगा? ए को सर्कल पे सेंटर बोला है ना, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अच्छा ऑरिजिन से पास कर रहा है, अरे ऑरिजिन से पास करने वाला एक पॉइंट से इन्फाइनाइट सर्कल पास कर सकता है, मत पूछिए कितना सर्कल पास करेगा, इन्फाइनाइट सर्कल। इधर आ जाइए, अरे भैया इधर, फिर मैचिंग मैचिंग आपको कर लेना है।
पेयर ऑफ सेट गिवन रीजन, कौन सा सेट इक्वल है? तो बताइए इसमें ए में जो है दो एलिमेंट है, दो तीन, ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जो है आपका जो एलिमेंट होगा एक्स का वैल्यू वो होगा -2 और -3। तो नहीं सर, इक्वल सेट का मतलब होता है एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो भैया एगो में दो तीन है, एगो में -2 3, कहाँ से इक्वल होगा? इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू, हाँ ये दोनों इक्वल सेट है। ए में भी, ए में भी कौन है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, और बी में भी, बी में भी डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है, हाँ ये दोनों यस इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब क्या समझे, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। उसमें दो एलिमेंट है तो इसमें भी दो एलिमेंट होगा, लेकिन एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब इसमें बताइए एक सेट ए है तो ये किसके बराबर है, 2 4 8 12 खोजिए, इसमें कोई इक्वल नहीं है सर। बी जो है 1 2 3 4, हाँ बी और डी जो है ये बराबर सेट, इक्वल सेट है। और कौन इक्वल है, ई और जी इक्वल है, और कोई इक्वल नहीं हमको लग रहा है, और कोई इक्वल नहीं है। तो इस तरह आपका दूसरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब ये दो एक्सरसाइज को बना लीजिएगा तो कल हम आपको डिस्कस कर देंगे तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा डिस्कस कर देंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे वेन डायग्राम को, फिर से शुरू होगा वेन डायग्राम। उसके बाद केसी सिन्हा को भी करते, देखिए हम पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको हिंट दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए। एक बार आपको हम हिंट दे दिए, समझा दिए, आपको प्रॉपर ढंग से उसका सॉल्यूशन लिखना है, फिर हमसे आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा कोई दिक्कत होगा कि नहीं सर इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दीजिए, तो कैसे लिखना है ये सब हम बता देंगे। तो ओके, फिर मिलते हैं, अपने दोस्तों में को चैनल का लिंक भेज के सब्सक्राइब करवाइए, तब आपको इतना अच्छा अच्छा लेक्चर मिलता रहेगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी का, केसी सिन्हा का, आरडी शर्मा का, आरएस अग्रवाल का, सबका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो मेरा ही मनोबल डाउन हो जाएगा कि चलो भाई बच्चा ही नहीं है तो कौन अब इतना मेहनत करता है। तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिले उसके लिए आप लोग को इस पर काम करना होगा।